हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 तारीख को दिल्ली के 30,000 कोर्ट में सहारा के 14 टॉप मैनेजर्स की अग्रिम जमानत की सुनवाई हुई थी। मैंने 2 दिन पहले ही इस केस के बारे में एक वीडियो बना के आपको बताया था कि अब इस केस में जहां पहले एकमात्र शिकायतकर्ता नियाज अहमद थे, अब इस केस में 50 अन्य निवेशक जो सहारा पीड़ित है उनके नाम को भी शामिल कर लिया गया है। इसके बाद इस केस की जो रूपरेखा है वो पूरी तरह से बदल गई है। केस के सेटलमेंट होने के बाद भी अब यह केस एक बहुत बड़ा रूप लेने जा रहा है, क्योंकि अब जो स्थिति हो गई है उसके अनुसार से सहारा के इन टॉप 14 मैनेजर्स की जमानत किसी भी कीमत पर नहीं होने वाली है। दोस्तों, मेरे पास है 23 तारीख को कोर्ट का आदेश, कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था, जो अपना ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर का कॉपी मेरे पास है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कोर्ट का जो आदेश है, आपको पढ़कर काफ़ी आश्चर्य होगा कि इस बार कोर्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट है और बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहा था। दोस्तों, क्या है कोर्ट का आदेश? इस केस में आईओ जो अब तक नहीं आ रहे थे, आखिर आईओ ने अपनी केस डायरी में क्या लिखा था जिसके चलते कोर्ट को यह अपना ऑर्डर जारी करना पड़ा, इसको लेकर ही हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि इस केस का पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, आप स्क्रीन पर ऑर्डर का कॉपी मैं लगा देता हूं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं और मैं बताऊंगा भी कि क्या है। मैं पहले संक्षेप में इस केस का स्टडी बता देता हूं क्या है। नियाज अहमद तो जो कि दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में रहते थे, उन्होंने 2.5 लाख रुपये निवेश किया था सहारा कंपनी में, जो सूद के साथ अभी लगभग 9 लाख रुपये हो चुके थे। जब उन्हें उनका भुगतान सहारा मैनेजमेंट के द्वारा नहीं दिया तो उन्होंने DGB रोड थाना, जो कि दिल्ली का थाना है, वहाँ पर इसको लेकर सहारा के टॉप 14 मैनेजर जिसमें स्वप्ना राय, OP सिंह, OP श्रीवास्तव, अलक सिंह जैसे लोग थे, उनके खिलाफ इसने IPC की धारा 420 और 406 मतलब धोखाधड़ी और चीटिंग का केस इन लोगों के खिलाफ दर्ज किया। इसी के केस की सुनवाई दिल्ली के 30,000 कोर्ट में हो रही थी। जब सहारा के टॉप मैनेजर्स को लगा कि अब उनकी गिरफ्तारी निश्चित है तो उन लोगों ने क्या किया, कोर्ट के बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया और नियाज अहमद को बतौर 2.5 लाख इंटरेस्ट के साथ 9 लाख रुपए का भुगतान किया और दोनों पार्टियों का सेटलमेंट पेपर कोर्ट में जमा किया गया। इस बीच इस केस में कुछ अधिवक्ताओं की, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं की एंट्री होती है और ये जो अधिवक्ता हैं ये लोग सहारा पीड़ितों के अधिवक्ता है। कुल 50 सहारा पीड़ित DGB रोड थाना में जाकर आवेदन देते हैं कि हमारे साथ भी इन्हीं लोगों ने धोखाधड़ी की है, इन्हीं लोगों ने चीटिंग की है, तो हमारा नाम भी इस केस में डाला जाए। ऐसा आवेदन मिलने के बाद जो इस केस के जांच अधिकारी IO थे उन्होंने अपनी केस डायरी में मेंशन किया कि पहले जहां इस केस में सिर्फ एक शिकायतकर्ता थे, पीड़ित थे, अब जाकर 50 अन्य शिकायतकर्ता और पीड़ित हो गए हैं और उनके साथ धोखाधड़ी की गई कुल रकम 3 करोड़ रुपए है। ऐसा IO ने अपनी केस डायरी में मेंशन किया। इसी की सुनवाई करते हुए केस नंबर 55/2024 जो एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन OP सिंह का है, उसके जजमेंट में साफ लिखा हुआ है कि जो लर्न्ड APP है, मतलब जो सरकार के वकील है, उन्होंने कोर्ट को बताया है कि इस केस में 50 अन्य कंप्लेनेंट जुड़ गए हैं जिनका कुल अमाउंट 3 करोड़ हो जाता है। ऐसे में IO जो जांच अधिकारी है उन्होंने EOU मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, यह क्या है कि जब किसी अपराध, आर्थिक अपराध की जाती है तो उस राज्य में एक आर्थिक अपराध जांच की एक शाखा होती है, इसको बोलते हैं EOE इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। तो इसमें अब इंस्पेक्टर जो IO है उन्होंने EOW को लिखा है कि आप इसकी जांच करें।
वो केस डायरी में यही लिखा गया है। अब जब कोर्ट के पास यह केस डायरी प्रेजेंट हुआ है तो 23 तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर किया है EOW को कि आप अगली तारीख जो कि 30 तारीख है उस दिन कोर्ट में हाजिर होकर वास्तु स्थिति से अवगत कराएं, और IO को भी 30 तारीख को कोर्ट में हाजिर होने का समन जारी किया है इस कोर्ट में। तो दोस्तों, जो लग रहा था इस केस में कि बहुत ही जल्द चूँकि सेटलमेंट हो गया है तो इन सभी लोगों का बेल हो जाएगा, जमानत हो जाएगा, तो इस स्थिति में अब जो कि पीड़ित लोग हैं, जो 50 पीड़ित हैं, उनकी तरफ से एडवोकेट भूपेश कुमार ने बहस की थी, जो कि पहले इसमें यश टंडन भी थे, यश टंडन भी हैं और उनके पिताजी भी थे इसमें, अजय टंडन जी। तो अजय टंडन, यश टंडन और भूपेश कुमार, इन लोगों ने 50 पीड़ितों की तरफ से जो पिटीशन थाने में दी थी उसको IO ने मेंशन करते हुए अब इसकी जांच EOW को में रेफर कर दी है। तो ऐसे में कोर्ट ने अगली तारीख 30 तारीख दी है, और उस दिन EOW को भी बुलाया है और IO को भी बुलाया है, और अब जो लग रहा था कि इन सबको जमानत हो जाएगी, बेल मिल जाएगी, तो अब यह बेल मिलना संभव नहीं है क्योंकि सेटलमेंट सिर्फ अब एक पार्टी से हुआ था, अब नए 50 पार्टियों को भी इस केस में शामिल कर लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में अब कहीं से भी यह नहीं दिखता है कि इन सहारा के टॉप मैनेजर्स जो स्वप्ना राय हैं, अलग सिंह, OP श्रीवास्तव, ये लोग हैं, इनकी जमानत नहीं होने जा रही है फिलहाल। तो दोस्तों, हम लोग 30 तारीख को वेट करते हैं कि उस दिन IO और EOW के अधिकारी क्या अपनी रिपोर्ट में बात रखते हैं कोर्ट में। तो दोस्तों, यह एक ताज़ा अपडेट था जिसकी जानकारी मैंने 2 दिन पहले दी थी कि 50 नए लोग जुड़े हैं। आज यह ऑर्डर शीट मेरे पास है, अब कंफर्म हो गया है कि अब इन लोगों को बेल नहीं होने जा रहा है। धन्यवाद।